सोनीपत के गुहाना में मुख्य बाजार निवासी सातवीं कक्षा के छात्र युवराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र मिला है, जिसे पाकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल और क्षेत्र में कुतूहल का विषय बना हुआ है। युवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्केच बनाकर गुहाना में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कुर्सी पर खड़े होकर दिखाया था, जिसकी प्रधानमंत्री ने सराहना कर कहा था कि वो युवराज को पत्र लिखेंगे। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने अब अपने किए वायदों को पूरा करते हुए युवराज को पत्र लिखा है। शहर के मुख्य बाजार निवासी वीरेंद्र चागला ने बताया कि उनके शहर में महावीर चौक के पास कपड़े की दुकान है। वीरेंद्र के पास तीन लड़की और एक लड़का है। छोटा लड़का युवराज शहर के सत्यानंद स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र है। युवराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक यानी फैन है और टीवी पर उनका भाषण जरूर सुनते हैं। युवराज ने प्रधानमंत्री का स्केच बनाया था। गुहाना में 25 सितंबर को आयोजित जन आशीर्वाद रैली में वो बेटे की जिद पर उसे लेकर रैली में पहुंचे थे। युवराज ने रैली के दौरान कुर्सी पर खड़े होकर बनाए गए स्केच को ऊपर उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चे के हाथों में अपना स्केच देखा और भाषण बीच में ही रोक कर सुरक्षा कर्मियों से स्केच के पीछे बच्चे का नाम और पता लिखवा कर लाने को कहा था। पीएम ने कहा था कि मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा, तुमने बहुत सुंदर स्केच बनाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चे के नाम पर पत्र लिखा है और भेजा भी है। ये पत्र परिवार को मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्यार को देखकर पिता वीरेंद्र और अन्य सदस्यों में खुशी की लहर है। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। क्या है आपका? मेरा नाम युवराज है। आपके पास लेटर प्रधानमंत्री का पहुँचा है, क्या पूरा मामला था? पिछले दिनों गुहाना में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे रैली में, मैं भी वहाँ पर गया था और उनका अपने हाथों से चित्र बना कर लेके गया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने SPG को भेजता हूँ और ये इसके पीछे अपना नाम पता जरूर लिख देना। और मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूँ और गुहाना में अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ। निमंत्रण दे रहे उनको? हाँ। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी बताओ क्या कहना चाहते हो प्रधानमंत्री को? मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ कि मेरे घर पर आए। जो लेटर दिया गया है उससे कितनी खुशी हो रही है? उससे मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो आपके यार दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे से मिलने आ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तो जब अपने लेटर वहाँ पर वो लेके गए आप चित्र, तो किन के साथ गए थे? मैं अपने पापा जी के साथ गया था। मेरा नाम पावनी है। तो आज युवराज के पास पहुँचे हैं, क्या कहना चाहोगे? कि वो जैसे वो कुछ दिन पहले जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे गुहाना में आए थे रैली के, उसमें तो ये भी उनके पास गया था उनका चित्र बना के, और प्रधानमंत्री जी को इनका चित्र बहुत अच्छा लगा जिससे उन्होंने अपना चित्र को अपने पास मंगाया और इनको एक लेटर भेजा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस छोटे से बच्चे को इतना सम्मान दिया और उसको इतना प्रोत्साहित किया। तो उनको निमंत्रण दिया है युवराज ने कि गुहाना आए मेरे घर पे, क्या कहना चाहूँगा? तो मैं भी उनको निमंत्रण देना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि वो भी आए गुहाना और हम सब से मिलें, और धन्यवाद कि आपने इतने छोटे से बच्चे को सम्मान दिया और आपने लेटर भी लिखा। पूरा मामला ये था जी, बेटे ने बनाई है चित्रकारी और पेंसिल से आर्ट करता है ये, तो ये इसने जिद करी। मोदी जी आए हुए थे, रैली थी उनकी, और उन्होंने कहा, बेटे ने कहा चलना है रैली में, और मैं ले गया इनको और मोदी जी का चित्र जो था इसने उठा लिया ऊपर, और मोदी जी ने अपने SPG को भेज के वो मंगवा लिया। उस पर पीछे नाम पता लिखवा लिया था मोदी जी ने, और आज हमारे पास लेटर आया है। हमें बहुत खुशी है, जैसे शादी का माहौल होता है ऐसा माहौल है हमारे घर पे, वो सभी इतना खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़ के, और मोदी जी को सादर आमंत्रित करते हैं हमारे यहाँ पर पहुँचे और हमें आशीर्वाद दें और बेटे को भी आशीर्वाद दें। मेरे हिसाब से एक मोदी जी कर सकते हैं, अन्यथा मेरे हिसाब से और किसी के बस की बात भी नहीं है। जो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को हम आमंत्रित करना चाहेंगे घर पे, और प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पे हमें आशीर्वाद दें, बच्चे को भी दें।